दोस्तों आईसीसी ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया है। और दोस्तों बता दें कि टीम इंडिया के मैच कब खेले जाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले, इसके बाद पूरे स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब इंडिया के स्केड्यूल के बारे में बात करें तो इंडिया का पहला मुकाबला जो कि 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेला जाएगा, इसके बाद दूसरा मुकाबला जो कि होगा अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, इसके बाद जो तीसरा मुकाबला है वो ब्लॉकबस्टर होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ 15 अक्टूबर को इंडिया भिड़ेगा, वो भी अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर। इसके बाद जो चौथा मुकाबला है वो 19 अक्टूबर को होगा, वो होगा बांग्लादेश के खिलाफ जो कि पुणे में यह मुकाबला खेला जाएगा। पांचवा मुकाबला है वो 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ है और वो मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके बाद जो छठा मुकाबला है वो मुकाबला होगा इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनऊ में। दोस्तों जो सातवां मुकाबला है वो खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर, जो कि इंडिया अपना सातवां मुकाबला खेलेगा, वो क्वालिफाइड टू जीतने वाली टीम के सामने खेलेगा। आठवां मुकाबला है वो होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 5 नवंबर को यह मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता में। इसके बाद जो नौवां मुकाबला जो आखिरी लीग मुकाबला होगा वो होगा क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम के सामने, जो कि 11 नवंबर को बेंगलुरु के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। दोस्तों अब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पूरे स्केड्यूल के बारे में बात करें। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सबसे पहला मुकाबला जो कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में यह मुकाबला खेला जाएगा वो होगा 5 अक्टूबर को, जो कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम पर, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरा मुकाबला जो कि पाकिस्तान वर्सेस क्वालिफायर 1 के सामने यह मुकाबला होगा और वो मुकाबला 6 अक्टूबर को हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद जो तीसरा मुकाबला है वो होगा 7 अक्टूबर को बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के खिलाफ, यह मुकाबला धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद चौथा मुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम के सामने खेला जाएगा 7 अक्टूबर को, वो भी दिल्ली के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद पांचवा मुकाबला है वो 8 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो भी चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। छठा मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम के खिलाफ यह मुकाबला होगा और 9 अक्टूबर को यह मुकाबला हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला है वो होगा इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि 10 अक्टूबर को धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में 11 अक्टूबर को दिल्ली में यह मुकाबला खेला जाएगा और 12 अक्टूबर की बात करें तो 12 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम के सामने यह मुकाबला 12 अक्टूबर को हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 13 अक्टूबर को लखनऊ के क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा। तो न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ 14 अक्टूबर को चेन्नई में यह मुकाबला होगा और इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को ही दिल्ली में यह मुकाबला खेला जाएगा। और इसके बाद बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है क्योंकि 15 अक्टूबर को यह मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस क्वालिफायर 2 के सामने यह मुकाबला होगा, जो कि 16 अक्टूबर को लखनऊ में यह मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस क्वालिफायर 1 टीम के सामने यह मुकाबला होगा, जो कि 17 अक्टूबर को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद बात करें तो न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में 18 अक्टूबर को यह मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इंडिया का जो मुकाबला है वो बांग्लादेश के खिलाफ है 19 अक्टूबर को, जो कि पुणे के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ 20 अक्टूबर को बेंगलुरु के क्रिकेट स्टेडियम पर। इसके बाद 21 अक्टूबर की बात करें तो यह मुकाबला मुंबई में होगा, जो कि इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में यह मुकाबला होगा। इसके बाद क्वालिफायर 1 वर्सेस क्वालिफायर 2 21 अक्टूबर को लखनऊ में यह मुकाबला होगा। इसके बाद 22 अक्टूबर की बात करें धर्मशाला में यह मुकाबला होगा, जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला होगा। पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में 23 अक्टूबर को यह मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। और अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ 24 अक्टूबर को मुंबई में, जो कि वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस क्वालिफायर 1 के सामने यह मुकाबला होगा, जो कि 25 अक्टूबर को दिल्ली में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस क्वालिफायर 2 के सामने यह मुकाबला होगा,
जो कि 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में यह मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद 27 अक्टूबर को चेन्नई में, जो कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वालिफायर वन वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ, 28 अक्टूबर को कोलकाता में यह मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला 28 अक्टूबर को धर्मशाला में यह मुकाबला होगा, जो कि कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 29 अक्टूबर को यह मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। देखना जरूरी होगा क्योंकि उसमें लखनऊ की जो पिच है वो स्पिनर्स वाली रहती है, इसलिए इस बार इंग्लैंड स्ट्रगल करता है या फिर इंडिया स्ट्रगल करता है वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस क्वालिफायर टू के सामने यह मुकाबला होगा, जो कि 30 अक्टूबर को पुणे में यह मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला होगा 31 अक्टूबर को कोलकाता में, और दोस्तों यह मुकाबला काफी कांटेदार रहने वाला है। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 1 नवम्बर को पुणे में यह मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इंडिया का मुकाबला क्वालिफायर टू के सामने होगा, जो कि 2 नवम्बर को मुंबई में खेला जाएगा। इसके बाद क्वालिफायर वन वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में यह मुकाबला होगा, जो कि 3 नवंबर को यह मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। इसके बाद इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 नवंबर को अहमदाबाद में यह मुकाबला खेला जाएगा, ये भी कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके बाद 4 नवंबर बेंगलुरु में यह मुकाबला, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ यह होगा। इसके बाद इंडिया का मुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 नवंबर को होगा, जो कि कोलकाता में यह मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश वर्सेस क्वालिफायर टू के सामने 6 नवंबर को दिल्ली में यह मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में 7 नवंबर को यह मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा। इसके बाद इंग्लैंड वर्सेस क्वालिफायर वन का मुकाबला, जो कि 8 नवंबर को पुणे में यह मुकाबला होगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो 5 आखिरी लीग मुकाबले हो गए, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस क्वालिफायर टू के सामने यह मुकाबला होगा, जो कि 9 नवंबर को बेंगलुरु में होगा। इसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में 10 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर होगा यह मुकाबला। इसके बाद इंडिया का जो मुकाबला है वो क्वालिफायर वन के सामने है, जो कि 11 नवंबर को बेंगलुरु में यह मुकाबला होगा। इसके बाद इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला है 12 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। इसके बाद जो आखिरी लीग मुकाबला है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ 12 नवंबर को पुणे में यह मुकाबला खेला जाएगा। और दोस्तों बता दें कि ये आखिरी लीग मुकाबला होगा। इसके बाद नॉकआउट मुकाबले शुरू हो गए, जो कि सेमीफाइनल वन, जो कि 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद सेमीफाइनल टू, जो कि 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद फाइनल मुकाबला, जो कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो कि 19 नवंबर को यह मुकाबला होगा। दोस्तों बता दें कि हर एक टीम को कुल 9-9 लीग मुकाबले खेलने होंगे, और इसके बाद 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होगा। तो दोस्तों ऐसे ही ICC ने यह स्केड्यूल जारी किया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा।